इस बीम असल क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट वन एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री है हमारे पास वही हमें सेंट्रेट डिवीजन अप्लाई करना है ठीक है तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन हमने लास्ट सेक्चर में समझा था किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको ठीक है सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो जीरो के साथ हमने लिखी सही फिर यहाँ से मैक्स की वैल्यू फॉइंड करते हैं एक्स इज इक्व टू प्लस का वन है वहाँ मूव कर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा ये रही हमारे पास मल्टीप्लायर यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर माइनस वन इज आ मल्टीप्लायर मल्टी माइनस वन क्या है हमारे पास मल्टीप्लायर है सही अब मल्टीप्लाई करते हैं मतलब डिवाइड करते हैं डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं डिवीज़न हमारे पास ये था पहले ऐसे ड्रॉ किया जाता है फिर जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है इसको यहाँ लिखते हैं हम मल्टीप्लायर को अब यहाँ क्या दिखने कॉपिशन दिखते हैं ठीक okay. है एक दफ़ा जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पावर प्रॉपर है जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था हमारे पास प्रॉपर पावर होनी चाहिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ देखिए एक्सी पावर क्या है फाइव फाइव से कम क्या होनी चाहिए फोर फोर नहीं है मेरे पास मिसिंग है तो कोई काम करेंगे यहाँ पर ठीक है फोर के बाद थ्री टू पावर वन भी नहीं है पावर फोर और पावर वन मिसिंग है एक्स की ठीक है उसके बाद माइनस थ्री मौजूद है अब करना क्या है इससे पहले यहाँ कॉपिशन लिखते हैं पहले पावर फाइव एक्सी पावर फाइव का कॉपिशन क्या है कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है तो वन लिख दिया मैंने x की पावर फाइव है लेकिन x की पावर फोर नहीं है जो मिसिंग हो उसकी जगह आप हमेशा लिखेंगे जीरो पर लिखना जरूर है ठीक है फोर नहीं था मैंने उसके बाद जीरो लिख दिया अब थ्री की बात करेंगे x की पावर थ्री ऐसा कॉफिशेंट क्या है वन सही यहां आ जाए थ्री के बाद पावर होनी चाहिए टू टू है ठीक है एक्ससी पावर टू का कॉफिशेंट क्या है माइनस टू सही x पावर टू के बाद क्या होना चाहिए सिंपल x होना चाहिए x नहीं है तो इसीलिए हम क्या पुट कर देंगे जीरो यहां आ जाए लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस थ्री सही अब वही काम जो मैंने लास्ट लेक्चर में, लास में समझा था फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है फिर इस वैल्यू को इसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई है, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करने आंसर आएगा माइनस वन यहाँ लिख देते हैं आंसर सही लिख दिया इनको ऐड करेंगे, जो जीरो में करेंगे। अब कर सकते हैं तो आपके पास काम इस को इस से मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इन दोनों को प्लस करेंगे one, one, सही। फिर इसके बाद क्या होगा इस वैल्यू को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई टू माइनस का टू आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का फोर प्लस कर देंगे फोर हो जाएगा दोनों वैल्यू के साथ माइनस साइन से माइनस आ जाएगा ऐसे मुश्किल लगता है कैलकुलेटर यूज करें कैलकुलेटर में पुट करें माइनस टू माइनस टू तो आपको आंसर देगा माइनस फोर ठीक है अब इसके बाद क्या है इन ये दोनों वैल्यूंगी फोर वन सा फोर माइनस माइनस प्लस प्लस का फोर सही जीरो में फोर प्लस किए फोर आएंगे माइनस वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर वन सा फोर माइनस का फोर सही कैलकुलेटर में पुट करें माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन आएगा आपके पास इसको बॉक्स कर दें सही एक बार फिर से देख लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी किया इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस वन को वन से तो माइनस वन आंसर आया इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया अब दोबारा इसको इसको मल्टीप्लाई किया माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव वन हो गया इन दोनों को प्लस किया टू हो गया फिर माइनस वन और टू को मल्टीप्लाई किया माइनस का टू आया यहां लिख दिया इन दोनों को माइनस 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 का फोर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फोर वन सा फोर माइनस माइनस प्लस फोर आ गया इन दोनों को ऐड किया फोर आया फिर दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर आया इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास माइनस सेवन आ गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया रिमाइंडर आया माइनस सेवन अब क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन मैंने बताया था किस तरीके से लिखा जाता है वैल्यू लिखी पहली वाली स्पेस छोड़ा प्लस लगाया सेकंड वैल्यू लिखी ब्रैकेट में स्पेस छोड़ा प्लस लगाया अगली वैल्यू लिखी सही टू लिखा फिर स्पेस छोड़ा प्लस लगाया अगली वैल्यू लिखी स्पेस छोड़ा प्लस लगाया लास्ट वैल्यू लिख दी सही देख लेते वन माइनस वन टू माइनस फोर और फोर सही फिर मैंने क्या कहा था लास्ट वैल्यू के अलावा बाकी सबके साथ आप एक्स लगा देंगे एक्स लगाया अब इसी तरफ से पहला एक्स X, X एक्स पावर वन एक्स पावर टू एक्स पावर थ्री एक्सी पावर फोर सही अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं एक्सी पावर फोर को जब वन से बड़ी करेंगे तो एक्सी पावर फोर ही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब को वन से बड़ी करेंगे एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर एक्स प्लस फोर ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया अच्छा एक चीज़ लास्ट लेक्चर में भी आप नोट कीजिएगा इसमें भी मैं बता रही हूँ जो आपका आंसर आएगा ना हमेशा वो आपके क्वेश्चन से एक पावर कम आएगा लास्ट जो मैंने करवाया था क्वेश्चन उसमें भी आप चेक कीजिएगा उसमें मैंने बताया नहीं आपको शायद मतलब ये क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी हाईएस्ट पावर क्या थी फाइव थी जो हमारे पास आंसर आया इसकी हाइएस्ट पावर क्या है फोर है देखें अगर पावर फोर होती तो यहाँ आंसर थ्री से शुरू होता पावर टू होती तो यहाँ आंसर वन से शुरू होगा हमेशा यही होगा मतलब आपने अगर जज करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप क्वेश्चन से मैच करें थोड़ी सी वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू की बात कर रही हूँ सिर्फ इसकी फर्स्ट पावर क्या है हाईएस्ट डिग्री क्या है फाइव है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है फोर है सही तो आपका आंसर करेक्ट है ऊपर फोर होती तो आंसर थ्री आता ऊपर थ्री होती तो आंसर टू आता ऊपर सिक्स होती तो आंसर में फाइव आती पहले हाईएस्ट पावर ठीक है यह आपका आंसर इस तरह करेक्ट होगा चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर वर्ट वैल्यू ऑफ के के की क्या वैल्यू होगी इसका ये मतलब है हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सही ऑफ फैक्टर जो है वो इसका फैक्टर है फैक्टर मतलब फैक्टर का वर्ड यूज हो जाए या रूट का वर्ड यूज हो जाए इसका मतलब कि ये इसका प्रॉपर रूट है प्रॉपर आंसर है मतलब अगर मैं सिर्फ कैलकुलेटर से चेक करना चाहूँ तो मैं इस वैल्यू को जब इस पॉलिमर में पुट करूंगी तो मेरा आंसर प्रॉपर जीरो हो जाएगा इसे हम रूट कहते हैं फैक्टर कहते हैं फिलहाल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा जब अगर फैक्टर या रूट की बात आएगी तो उसे आंसर कहा जाता है कि ये प्रॉपर इसका आंसर है तो इसको सॉल्व भी, भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है कि हमने क्या करना है सैटरडे डिवीजन अप्लाई करेंगे देखिए के प्लस एक्स प्लस फाइव आ फैक्टर ऑफ के इसका फैक्टर है इधर देखें आप इधर क्या है हमारे पास एक्सप्ल वन जो था वो इस पॉलोम का फैक्टर था इसका ये मतलब था एक्सप्ल वन जो है इसका फैक्टर था या x plus one जो है वो इसका रूट था सही इसी तरह यहां पर आ जाए कि ये जो इसका फैक्टर है तो हम यहाँ डिवीजन अप्लाई करेंगे वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे K की वैल्यू फाइंड करेंगे अब रिमाइंडर और क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं होगा हमें के की वैल्यू से होगा सही सबसे पहला काम वही करेंगे हम एक्सप्ल फाइव था था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे एक्सप्ल फाइव इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा मेरे पास सही ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लायर है लिख देते हैं हेयर माइनस फाइव इज आ मल्टीप्लायर सही है मल्टीप्लायर है मेरे पास अब डिवीजन अप्लाई करते हैं सही ये वैल्यू जो आई है हमारे पास माइनस फाइव हमने यहां लिख दी अब उसके कॉपिशंट लिख ली हूं मैं एक्स क्यूब का कॉपिशन क्या है टू एक्स स्क्वायर का कॉपिशन क्या है के K. कॉन्स्टेंट K है हमारे पास ठीक है ना एक्स स्क्वायर सिर्फ वेरिएबल है एक्स का कॉपिशन क्या है माइनस टू और उसका कॉपिशन क्या है फिफ्टीन चेक कर लेते पावर प्रॉपर थी भी कि नहीं पावर थ्री टू वन प्रॉपर थी कोई मिसिंग होती तो थी जगह हम जीरो पुट कर देते ठीक है चले हमने पुट कर दिया सारा प्रॉपर सही सबसे पहले वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाती है फिर इस वैल्यू को इस आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फाइव को टू से मल्टीप्लाई करते हैं फाइव टू सा टेन माइनस का टेन आया इन दोनों को ऐड करते हैं लेकिन किसी अल्फाबेट में नंबर ऐड नहीं होता तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे के माइनस टेन सही अब दोबारा यहाँ आ जाए इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस फाइव अब दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा के से भी और टेन से भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस फाइव को जब मैं के से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर देगा माइनस फाइव के सही अब माइनस फाइव को मैं माइनस टेन से मल्टीप्लाई करने जा रही हूं माइनस माइनस प्लस फाइव टाइम्स द फिफ्टी सही अब इनको फिर ऐड करते हैं ये टू के में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर है और ये क्या है हमारे पास वैल्यू है सॉरी अल्फाबेट है तो हम क्या करेंगे टू माइनस टू किस में एड हो रहा है फिफ्टी में होगा सही माइनस फाइव के एज इट इज फिफ्टी में से हम टू को माइनस करेंगे प्लस फोर्टी एट आ जाएगा मेरे पास सही अब दोबारा यहां मूव कर जाए अब माइनस फाइव इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सही मैंने माइनस फाइव को minus, पहले माइनस फाइव को इससे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इससे पहले माइनस फाइव को माइनस फाइव के से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव के सही माइनस प्लस माइनस सही फाइव को फोर्टी एट से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव एट फोर्टी फाइव फोर ट्वेंटी ये हो जाएगा हमारे पास हम फोर्टी पा, एट को जब हम फाइव से मल्टीप्लाई फाइव एट फोर्टी फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी 20 टू ट्वेंटी फोर टू फोर्टी आएगा मेरे पास सही टू फोर्टी आ जाएगा अच्छा हमारे पास आ गया टू फोर्टी दोबारा इनको ऐड करवाना है फिफ्टीन जो है वो के वाली वैल्यू में तो ऐड नहीं होगा ये एज इज आ जाएगी ट्वेंटी फाइव के सही फिफ्टीन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये प्लस का है या माइनस का है तो माइनस होगा आप कैलकुलेटर यूज कर लें सही मैं ऐसे ही लिख रही हूँ यहाँ पर ये हो जाएगा फाइव और ये होगा मतलब 240 में से हम 15 माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 225 और माइनस करेगा सही चलो लास्ट वाले को हमेशा बॉक्स कर देते हैं मैंने बॉक्स कर दिया क्या किया टू कॉपी किया फाइव टू जो टेन यहां वैल्यू लिख दी इन दोनों को एक साल लिख दिया फिर ये माइनस फाइव दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस फाइव के आ गया फिर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस फाइव टाइम ऑफ फिफ्टी यहाँ लिख दिया इसमें ऐड नहीं हो सकता ये वैल्यू एज इट इज इसमें ऐड होगा फोर्टी एट आ जाएगा फिर माइनस फाइव इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जब माइनस फाइव माइनस फाइव से होगा फाइव था ट्वेंटी फाइव के आ जाएगा माइनस फाइव को फोर्टी एट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फोर्टी आ जाएगा इन दोनों को ऐड करना ये वैल्यू एज इट इज फिफ्टीन इसमें ऐड हुआ तो ये प्लस था ये माइनस था प्लस माइनस माइनस हुए टू टू फाइव आ गया सही हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जो लास्ट में बॉक्स किया जाता है वो वैल्यू यहाँ कॉपी कर देंगे पहले लिखेंगे फोर के क्योंकि हम के की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हमने लिखा फोर के क्योंकि हम ये वाली वैल्यू लेंगे हाँ के इधर भी मौजूद है लेकिन हम क्वेश्चन यूज नहीं करते वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा रिमाइंडर यूज़ करते हैं सही हम लिखेंगे ट्वेंटी फाइव के माइनस टू टू फाइव इक्वस टू जीरो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वल ज़रूर चाहिए होता है हमने लिखा इक्वस टू जीरो ट्वेंटी फाइव यही रहा के माइनस से टू टू फाइव से दूसरी तरफ मूव करवा देंगे पॉजिटिव टू टू फाइव हो जाएगा के इज़ इक्व टू 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 फाइव ओवर ट्वेंटी फ़ाइव इसको कैंसिल करेंगे हम तो हो जाएगा फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव और ये होगा फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव नाइन ज़ार फोटी फाइव के की वैल्यू आ गई हमारे पास नाइन आप चाहे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें हमारे पास के की वैल्यू आ गई जब भी आपके पास इस तरह हो क्या कोई सेंट्री डिवीजन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ हो कि एक फैक्टर गिविन हो जिसे डिवाइड करना हो और एक हमारे पास ऐसे वैल्यू गिविन हो पॉलिनॉमल पूरा तो हम इसी तरह हाँ के की वैल्यू फाइंड करेंगे या कोई भी हमें के की जगह कोई भी अल्फाबेट दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करेंगे एक क्वेश्चन वो था जिसमें रिमाइंडर क्वेश्चन निकालने सिंपल हमें और एक क्वेश्चन ये था जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी तो यकीन आपको ये समझ आया होगा इससे अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अपने अगले लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़